तो कोई गया क्या डिफेब्रिकेट करने के लिए? आपने भेज दिया यहाँ के लोकल मोदी को, केस करवा दिया ये डिफेमेशन का, और जो कुछ हुआ आपके सामने है। ओबीसी गाँव में ओबीसी की बेइज्जती कर दी, अरे हम लोग ओबीसी के बैठे हुए आपके सामने हैं। बघेल साहब ओबीसी के हैं, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, मैं ओबीसी का हूँ, तीसरी बार मुख्यमंत्री बना हूँ, और मेरी जाति का एक एमएलए है राजस्थान में, एक, और वो मैं खुद ही हूँ। इससे बड़ा क्या प्रूव हो सकता है कि एक ओबीसी का एक एमएलए मैं खुद ही हूँ और मुख्यमंत्री बन रहा हूँ बार बार, और बनाने वाले कौन थे? सोनिया गांधी, राहुल गांधी। तो क्या मतलब ओबीसी खिलाफ होते तो एक आदमी को बनाते, एक जाति वाले को बनाते क्या? इससे बड़ा प्रूफ क्या होगा बता दे राहुल गांधी के लिए और सोनिया गांधी जी के लिए? अब उसको आप ओबीसी ओबीसी कह के इनका प्लान बना पूरा इनके ऑफिस के अंदर नड्डा साहब के नेतृत्व में, 6 अप्रैल से पता नहीं वो आगे बढ़ेगा क्या होगा, 6 अप्रैल पूरे देश भर के अंदर ओबीसी की बेइज्जती हो गई, ओबीसी की बेइज्जती हो गई। और ये रिहर्सल किया मोदी जी ने पहले 17 के अंदर, मुझे नीच कह दिया, किसी ने नीच नहीं कहा उनको, हमारी पार्टी का संस्कार ही नहीं है कि इस प्रकार शब्द काम ले रहे, किसी ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री पद की गरिमा होती है, राष्ट्रपति पद की गरिमा होती है, हम समझते हैं उन गरिमाओं को। एक नेता ने कहा जब नीच प्रवृत्ति की तरह काम करते हैं, तो घुमा फिरा के मुझे नीच कह दिया, मुझे नीच कह दिया, भाइयों गुजरातवासियों मैं ओबीसी का हूँ, मुझे नीच कह दिया और चुनाव जीत गए। वो जो उस वक्त रिहर्सल था, अब देखा वो मामला ठीक था, जम गया हमारा मामला, हम हारते हारते जीत गए। 17 के अंदर हारे थे, मिशन 150 था अमित शाह साहब को, आपको याद होगा क्योंकि सूरत में हम साफ हो गए थे, इसलिए आपको ज्यादा याद होगा, सूरतवासियों को हम हार गए थे अचानक ही, तो उस वक्त में ये 99 पे आ गए थे। तो इसलिए उन्होंने देखा अब वापस चलाएंगे ओबीसी का कार्ड, तो हो सकता है कि ये इश्यू हमारे खिलाफ नहीं बनेगा। निष्कासित किया गया अविलंब इनको पार्लियामेंट से, फैसला क्या है मालूम है कि हिस्ट्री के अंदर कभी 2 साल ऐसा किसी को ही नहीं है, पहले किसा जहां इस सेक्शन के अंतर्गत सजा हो गई 2 साल, आप सोच सकते हैं बात। तो ये जो आज तमाशा हो रहा है यहाँ पर जो अरेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी बात नहीं है, हम आए खाली एक एकजुटता दिखाने के लिए, डेमोक्रेसी और क्या होता है, बल्कि उससे सत्ता पक्ष को फीडबैक लेना चाहिए कि भाई ये जो जनता उतर रही मैदान में इनकी भावना क्या है, ये कहते हैं सच्चाई है क्या, और सच्चाई है तो हमें अपने आप को अमेंड करना चाहिए। गांधी जी ने तो इस सिद्धांत को लेके देश को आजाद करवा दिया बिना खून खराबे के, कि सत्य के लिए आग्रह करते करते अंग्रेजों को भागना पड़ा अल्टीमेटली, कि भाई बात तो ठीक है ना, मॉरल अथॉरिटी इनके साथ इतनी ज्यादा हो गई है, पब्लिक इनके साथ हो गई है, करो या मरो, अंग्रेज भारत छोड़ो, और छोड़ना पड़ा। तो यही हमारा सत्याग्रह है।